हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 9 बज रहे हैं और पूरा दिन कंटिन्यूसली बारिश बारिश बारिश, और यहाँ पे आसपास में तो फ्लड भी हो चुका है। यहाँ पे कोकराझर में बहुत दिनों से, कितना, तीन सप्ताह तो हो ही गया होगा जो कंटिन्यूसली बारिश आए जा रहा है। अभी भी कल पूरा रात बारिश आया और अभी भी बारिश आ रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो जो मैंने आपको प्रीवियस जो मेरे ब्लॉग में मैंने आपको बोला था कि जो बच्ची के बर्थडे के दिन ही ये जो दीदी का भी बेबी हुआ है, तो वही हम नया मेहमान जो इस दुनिया में आया है उसको हम देखने जा रहे हैं। मतलब सिर्फ मैं ही जाऊंगी, तो वही, और दीदी के लिए मैंने, मतलब वो भी खाना वाना भी नहीं खा सकती, तो मैंने उनके लिए एक लाइट खिचड़ी बनाया है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो वही अभी हम हॉस्पिटल अभी तो नहीं जाएंगे, ऐसा 9:30 बजे जाएंगे हम लोग। सो ये मैंने दीदी के लिए खिचड़ी बनाया है, सिर्फ एक मिर्ची दे के, देखिए खिचड़ी, पता नहीं दीदी को कैसा लगेगा। बारिश, पूरा दिन बारिश। और जाने से पहले अभी घर का थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा काम है वो मैं करके जाऊंगी, नहीं तो फिर आके बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो अभी घर भर साफ कर लेती हूँ। गाइस ये देखिए, क्या बोलते हैं इसको, प्लम, ये देखिए बहुत ही टेस्टी है। वाओ, ये तो कितना कलर सुंदर है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मीठा, कितना सुंदर है। सो ये रहा इसका, एक्चुअली छिलका निकाल के खाते हैं क्योंकि छिलका के साथ ना ये थोड़ा कड़वा कड़वा लगता है मेरे को, तो इस वजह से मैं इसका छिलका निकाल के खाऊंगी। तो ये रहा, इस टिफिन में लेके जाऊंगी। दीदी के लिए मैंने कुकुम्बर भी काट लिया है, हाँ दीदी के लिए काट दिया, और दीदी ने बोला है कि वो अभी फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खा सकती है, नहीं तो मैं फ्रूट्स वगैरह भी लेके जाती, तो वही कोई बात नहीं, तो अभी हम, मैं रेडी हो जाती हूँ। सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मैं फटाफट निकलती हूँ क्योंकि लेट हो रहा है, दीदी को बोला भूख लग रहा है, तो चलो निकलते हैं। दीजिए मुझे एक दे दीजिए सामान, आप इतना सारा पार्क कर, उठे कर आओ। सो गाइस मैं भी आ चुकी हूँ घर में, मैं वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बस थोड़ा बहुत ही मैंने रिकॉर्ड किया है, पर मैं बेबी और जो मदर है दीदी को, ए बेबी मदर को मैं दिखा नहीं पाई, और आज ही उनका डिस्चार्ज भी हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, बाद में दिखा दूंगी जब वो लोग आ जाएंगे घर में, आज ही उनका डिस्चार्ज भी होगा बोला, और सब अच्छा ही है, बच्चा भी अच्छा ही है, मदर भी अच्छी ही है, तो वही आज वो आएंगे, तो वही अभी मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ हॉस्पिटल से आके, तो रेस्ट करती हूँ। बाहर भी पूरा बारिश बारिश हो रखा है, पूरा भीगा भीगा एकदम, मज़ा नहीं आ रहा है एकदम भी, ड्रेस भी पूरा नीचे भीग गया था, पूरा बारिश कंटिन्यूसली बारिश आए जा रहा है, पता नहीं त्रिपुरा में कैसा हालत है पर यहाँ पे तो पूरा कंटिन्यूसली बारिश ही बारिश, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइस मुझे खिचड़ी खाने का मन कर रहा था, तो मैंने ये फिर से खिचड़ी बनाया और अभी मैं खाऊंगी ये खिचड़ी। घी भी डाला है मैंने ऊपर में, ऐसे एक चम्मच घी दे दिया। 2000 years later. सो गाइज अभी शाम हो चुके हैं, मैं व्लॉग ही करना मैं भूल गई थी, मैं थोड़ा, एक्चुअली मैंने आते ही वहाँ से हॉस्पिटल से आते ही मैं थोड़ा सोई क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, 6 बजे मैं उठ गई थी, तो उसके बाद मैं सो गई, मैं हॉस्पिटल से आके मैं सो गई, तो उसके बाद उठ के थोड़ी देर पहले उठे हम लोग, जितना मुझे 5 बजे उठ गए हम लोग आज शाम के 5,
तो वही, तो उसके बाद हम लोग ने मैगी खाया और अभी मैं बना रही हूँ ये, अभी भी मेरा ये हस्बैंड वो लेकर आया है चिकन, देसी चिकन लेकर आया है, देसी चिकन और साथ में ये जो खाखलू होता है एशगर्ड बोलते हैं ना शायद हम इंग्लिश में, तो इसके साथ आज मैं मिक्स करके बनाऊंगी और बच्ची के लिए जस्ट ऐसे ही बॉयल बनाऊंगी मैं। और साथ में अभी मैं इधर चाय बना रही हूँ, चाय वाय पीने के बाद काम शुरू करूंगी, मतलब खाना बनाने का काम शुरू करूंगी। और यहाँ पे बच्ची अकेले अकेले पढ़ रही है, ड्रॉ कर रही है ड्रॉइंग। अभी इसके वो मैं स्कूल में देखो ये सब अभी आ गया है, ये काउंट एंड राइट, काउंट करके इधर में लिखना है, यहाँ पे नंबर टू नंबर मैचिंग करना है, ये वन और टू का स्पेलिंग अब आया नहीं है पर सिलेबस में है तो इसलिए ये करवाया था मैंने। और ये मिसिंग नंबर देखो इधर ना, नर्सरी में इतने हार्ड हार्ड वो सिलेबस है तो कोई बात नहीं, पर बच्चा का जो ब्रेन है वो भी डेवलप हो रहा है। ये देखो, गुड बाय बाय बेबी, देखेंगे बेबी हम बाद में देखेंगे, ठीक है ठीक है, टाटा टाटा। ये हो गया है बच्ची का, लास्ट में अभी ये दे देंगे हम। तो गाइस हमारा जो सब्जी है हो गया है, ये देखिए पूरा इसका जो रस निकल गया है, आई मीन सूख गया है। स्किन केयर रूटीन करके और ड्रेस व्रेस सब चेंज वेंज करके मैं आ गई हूँ, अभी हम खाना खाने वाले हैं। मेरी बहन लोग तो खा रहे हैं ऑलरेडी, बच्ची भी खा रही है पर मैं अभी खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है तो फिर इसलिए मैंने थोड़ा सा चावल और सब्जी लिया है। तो मेरी बहन ने तो बोला है बहुत टेस्टी हुआ ना, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम भी हम लोगों ने खा रहे हैं ये क्या बोलते हैं इसको, एशगर्ड बोलते हैं इसको, खाखलू को इंग्लिश में, वही ये एशगर्ड के साथ हम फर्स्ट टाइम मैंने बनाया है। तो वही लौकी नहीं बोलते इसको, ये लौकी नहीं है। ये रहा बॉयल्ड चिकन, मैंने सोचा मैं थोड़ा दीदी को भी दूँ पर इसमें थोड़ा शायद मिर्ची मैंने थोड़ा ज़्यादा दे दी है, मिर्ची थोड़ा सा देने के कारण मैंने सोचा छोड़ो नहीं दूंगी, क्योंकि वो तो भी ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाती है ना तो बच्चा का पेट खराब हो सकता है, इस वजह से मैंने नहीं दिया, नहीं तो मैं दीदी को पक्का देती। थोड़ा सा यदि मैंने स्पाइसी कम होता तो बोल रही है बेबी को मैं बाबू भी बुलाऊंगी, चुन्नू मुन्नू क्या क्या बोल रही है, मैंने कुछ नहीं बोला। चलो खाओ खाओ थोका। अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैं आज का जो व्लॉग है इधर ही एंड कर रही हूँ। रात के 12 बजे हैं इसलिए बजे हैं क्योंकि हम तो बेबी को देखने के लिए चले गए थे, तो वहाँ पे ही रहते रहते कैसे कितने बजे हम गए थे, 10:30 बजे गए थे और 10:30 बजा ही और फिर 12 बज गया, कब 12 बज गया मारो भी नहीं चला। तो अभी अभी हम लोग घर में आए हैं, मत रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये रही बच्ची, मेरे का स्कूल है नेक्स्ट वो भी मिल गया, मैं दिल्ली मैं बीबी से मैं दिल्ली बीबी से ठीक है, गुड नाइट। Thank you.